इस पाइप पर थ्रेड बनाए जा रही है। ये एक एक्सटर्नल थ्रेड प्रोसेस है, इनको पास करा जाता है रोलर डाई में। ये डाई हमेशा घूम रही होती है, जैसे ही इस पाइप के कॉन्टेक्ट में आती है डाई, जिससे क्या होता है ये पाइप घूमने लग जाता है और उस पर थ्रेड बनने लग जाती हैं। और इस डाई पर भी थ्रेड बने होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस पाइप पर थ्रेड बनाने में। इस प्रोसेस में मेटल रिमूव नहीं होता, ये केवल क्या करता है इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाता है, जिससे क्या होता है इस पर थ्रेड बनने चालू हो जाते हैं। ये एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है, इस पर किसी भी तरह के हीट ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती इसके टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके जो थ्रेड होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू कटिंग टूल्स के मुकाबले। इस प्रोसेस में जो थ्रेड बनते हैं वो बिल्कुल क्लीन होते हैं, इनमें किसी का बर्न नहीं होता। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।